बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में देर रात एक आम आदमी की गाड़ी को कुछ शरारती तत्वों ने चकनाचूर कर दिया, जिसमें गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित शख्स रवि शर्मा ने बताया कि मामला थाने में दर्ज करा दिया गया है। सेक्टर 3 पुलिस चौकी इंचार्ज सीमा ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में देर रात 12:40 पर एक आदमी रवि शर्मा की गाड़ी को कुछ शरारती तत्वों ने चकनाचूर कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें गाड़ी के आमने सामने और पीछे के शीशे सहित हेडलाइट भी तोड़ दी गई है। ऐसे में पीड़ित का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से अभी दोषियों की पहचान नहीं हुई है और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी का भुगतान किया जाए। सर, रात को 12:40 पे कुछ लोग व्हाइट कलर की गाड़ी में आते हैं और इस तरह से बैक करके गाड़ी को, और यहाँ पे उतरने के बाद में ताबड़तोड़ यहाँ पे चारों तरफ से मेरी गाड़ी को शीशा तोड़े हैं उन्होंने, बैक टू बैक एक भी शीशा नहीं छोड़ा है, और लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फ्रंट साइड से हेडलाइट भी सारे उन्होंने मतलब प्री प्लानिंग के साथ में यहाँ पे मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ा गया है। सर, इस तरह की पहचान तो नहीं हो पाई है, और बस फुटेज में हम लोग चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे जी। और इधर लेफ्ट साइड से आए थे और इधर राइट साइड की तरफ गए, और यहाँ से अग्रवाल स्कूल से होते हुए उनकी गाड़ी निकली है। ये घटना सर करेक्ट 12:40 की है, तो 12:40-41 पे है, और 12:42 पे हमारे यहाँ पे फुटेज में हमने देखा है, तो 12:42 पे इस तरह की ये घटना स्टार्ट हुई है। सर, इस तरह की तो मेरी यहाँ पे किसी से कोई रंजिश नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पर लास्ट वीक में एक हफ्ते पहले थोड़ी सी गाड़ी खड़ी करने को लेके बहस हुई थी, तो इस तरह की कोई घटना नहीं थी, मतलब कि इस तरह का बड़ा किसी का द्वेष भाव से अंजाम से निकाला जाए। ये रात को कोई आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं सर, जिसने भी फोड़ी है वो शिकायतकर्ता हमारे पास आए हैं, उन्होंने जिसके प्रति अपना शक जाहिर किया उसको भी बुला के यहाँ पूछताछ की गई है। वैसे हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, और जैसे भी किसी भी तरीके की कोई भी हमारे सामने आती है हम कार्रवाई करें। रात को 12:30 के आसपास की बात है।